हम लोग अभी जा रहे हैं फ्रेंड्स, मेरे ही रूम से कुछ दूरी पे पास के गांव में एक वाटर पार्क खुला है, तो अभी नया नया है तो हमने सोचा कि चलो वहाँ चल के ट्राई करते हैं कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। बहुत ही एडवेंचरस होने वाला था, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा था। और सबसे ज़्यादा एडवेंचर तो ये रोड था, ये अभी हम लोग गलत रास्ते में चले गए थे और बहुत ज़्यादा ही गंदा रास्ता था। ऐसा फील हो रहा था ना कि अभी ऑटो पलट जाएगा और हम लोग चले जाएंगे नहर जो खुदा हुआ है उसके अंदर। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ कुआं के पास कुछ लोग बैठे थे। हमने फाइनली जैसे तैसे करके रास्ता पूछ पूछ के हम लोग पहुँच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं वाटर पार्क और बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करने वाले हैं, आपको आगे बहुत मज़ा आएगा। फिर मैं जाती हूँ जल्दी जल्दी से अपना जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है पूरी करके वापस से आ जाती हूँ। देखो मैं कितना मज़े कर रही हूँ। और ये गई मैं पानी के अंदर, वाओ इतना अच्छा फील हो रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बस ये छोटा वाला पूल था तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं था और ये बच्चों के लिए था, तो मैंने सोचा चलो बच्चों वाली स्लाइड पर मैं जाके ट्राई करती हूँ। देखने में तो बच्चों वाला था पर था बहुत डेंजर, ऐसा लग रहा था जैसे मैं बाहर निकल के चली जाऊँगी और यहाँ पे मुझे चोट भी लग गया था दो तीन बार। सो फाइनली उसके बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर ये जो झरना है इसके नीचे बैठ के थोड़ा चिल किया जाए, उसके बाद मैं जाऊँगी बड़े वाले पूल के अंदर। सो अब मैं इसमें स्विम करने की कोशिश कर रही थी जो कि मुझे आता नहीं है। हम लोग फुल फैमिली कुछ ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे होते हैं, फिर डिसाइड करते कि चलो अब बड़े वाले पूल में जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं रुकने वाली कहाँ थी, मैंने सोचा कि चलो एक बार और बच्चों वाला स्लाइड ही ट्राई कर लेती हूँ। सो एक बार फिर से गिर जाती हूँ और बहुत ज़ोर से चोट लगता है, सबसे ज़्यादा चोट यहाँ पे मुझे ही लगा है। चलो उसके बाद मम्मी हेल्प करती है मेरे बड़े वाले पूल में जाने में, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, यहाँ पर ज़्यादा पानी था और जस्ट पूल में जाते ही मैं फिसल जाती हूँ। सो मज़ा तो बहुत आता है बट चोट भी बहुत ज़्यादा लगा था, यहाँ पे मेरे पैर में कांच भी चुभ गया था। ये देखो फ्रेंड्स मैं कितना ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ। आप सभी को कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद मैं हिम्मत करके चली जाती हूँ बड़ा वाला स्लाइड ट्राई करने। तो देखो फ्रेंड्स मैं अपने सीट के बल कैसे गिर जा रही हूँ, मेरा मुंडू नीचे और पैर ऊपर हो जा रहा है इसमें। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि मैंने कितना ज़्यादा इन्जॉय किया वहाँ पे, मेरा सर नीचे और पैर ऊपर हो गया था और डर भी बहुत ज़्यादा लगा था उस स्लाइड के ऊपर। हम लोग पूरे 3.5 घंटे तक पानी में अपना पूरा जान प्राण त्याग के लगे हुए थे, उसके बाद हमें लगती है जोरों की भूख। तो हम लोग आ जाते हैं रेस्टोरेंट में, मैं ऑर्डर कर देती हूँ खाना, उसके बाद हमारा यम्मी यम्मी सा खाना आ जाता है। ये मेरा फेवरेट है बटर नान, और वो जो आप देख रहे हो ना वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है यहाँ पे, अनियन और आपको पिकल्स दिए जाते हैं। फिर हमारा ये रहा चिकन चिली, मेरा वन ऑफ द फेवरेट डिश है ये, उसके साथ मुझे नान खाना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो मैं जुट जाती हूँ खाना जल्दी जल्दी सर्व करने लगती हूँ कि कैसे मैं अपने पेट को भरूँ। और बगल में वो पानी का बॉटल देख रहे हो, वो मैंने ही ख़त्म किया है, मैं 3-4 ग्लास पानी पी गई थी, इतना ज़्यादा थकी हुई थी मैं। और अभी सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से खाना खाओ और उसके बाद घर जाके सो जाओ, बहुत ज़्यादा ही हम लोग थक गए थे इंजॉय करने के चक्कर में। सो ये रहा मेरा फर्स्ट बाइट और बहुत ज़्यादा ही यम्मी था। सो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। वापस घर आती हूँ तो इतना ज़्यादा थक गई रहती हूँ कि सीढ़ी चढ़ने में भी मौत आती है फ्रेंड्स,
मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। मैं तो इतना थक गई हूँ, देखो कैसे बेड पे जाके सो जाती हूँ जैसे कि मेरी मौत आ गई है। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।